अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज संडे है तो आज क्यू एन ए का टाइम है तो मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी व्लॉग वगैरह करता हूँ तो मैं एक बाइक को शो करता हूँ जो कि है अपाची RTR 160, जो कि मेरा बाइक था और मैं उसे हमेशा इस्तेमाल किया करता था। लेकिन वो मेरा मेन बाइक नहीं था दोस्तों, मेरा मेन बाइक कोई और है और वो जो अपाची RTR 160 था वो हमेशा मेरे भाई इस्तेमाल किया करते थे। अपने काम पर जब भी जाते थे तो वो उसे लेकर के जाते थे और वो जो है बाइक को लगाते थे, फिर अपना काम वगैरह करते थे। तो हमेशा जो है ज़्यादातर टाइम एक ही प्लेस पे लगाते थे। तो आज कुछ ऐसा हुआ कि पटना के राजेंद्र नगर इलाके में से किसी ने उस बाइक को चोरी कर लिया। वो वही प्लेस पे लगाए हुए थे जहाँ पे वो कभी कभी लगाते थे और वहीं से वो जो बाइक है गायब हो गई। और ज़्यादा देर का टाइम भी नहीं था दोस्तों, आधे घंटे में किसी ने चोरी कर लिया, जबकि हैंडल लॉक था, उन्होंने चाबी भी नहीं छोड़ा था और हेलमेट भी साथ में लेकर के आए थे। तो सब कुछ ना रहते हुए भी उन लोगों ने चोरी कर लिया। अब कैसे चोरी किया ये तो वही लोग जाने भाई, कैसे उन्होंने उठाया है। और उस बाइक का नंबर था BR 290 6557। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इतना सारा जानकारी दे दे रहा हूँ, शायद कहीं मेरा लक खुल जाए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वो चोरी हो चुका है। तो यहाँ पे इस चीज़ से एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर आप कहीं भी जॉब वगैरह पे जा रहे हैं और अगर आप अपने बाइक को हमेशा एक ही जगह लगा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमेशा अगर आप एक ही जगह बाइक को लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपको वॉच कर रहा है और कोई ना कोई दोस्तों कभी ना कभी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपके बाइक के ऊपर, और उसे चोरी वगैरह कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमेशा एक ही जगह लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस चोर को हमेशा आपके टाइम टेबल के बारे में पता चल रहा है। आप कब जाते हैं, कब आते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, और आप बाइक लगाते हैं तो कितने देर के लिए वहां पे छोड़ते हैं और कितने देर के बाद वापस आते हैं, तो उसे कितने देर में चोरी करना है, ये सब कुछ उसे समझ में आ जाता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके पास बाइक है और अगर आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग प्लेसेस पर लगाया कीजिए, उसे अच्छे से लॉक रखा कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर कैमरा वगैरह हो, जिससे आप जो अगर कुछ होता है तो आप वहां पर कैमरा में देख पाए। इंश्योरेंस भी रखा कीजिए और बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि चोरों की कमी नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, आज का हम लोग क्यू एन ए स्टार्ट करते हैं। बाइक तो चोरी हो गया लेकिन आपका सवाल चोरी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है जो कि मैंने पिछले क्यू एन ए में कहा था कि कमेंट में जो भी करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। तो पिछले क्यू एन ए में सबसे पहला सवाल है अनुराज बनर्जी भाई, इनका तो सवाल हमेशा आते रहता है। दादा, पबजी लाइव करने के लिए बेस्ट ऐप है स्ट्रीम लैब्स, उससे लाइव करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके भाई, थैंक यू, आपने पिछली बार भी बताया था। तो स्ट्रीम लैब्स से मैं अब पबजी लाइव किया करूँगा, हो सकता है कि ज़्यादा अच्छा है। भाई, आप गर्लफ्रेंड का नाम क्या है प्लीज? भाई, आपको मेरी गर्लफ्रेंड का नाम जानना है तो आपको खुद ही गेस करना पड़ेगा। बस इतना समझ लो कि आंखों में लगाते हैं। शार भाई, मीटअप का प्लान करो भाई। मीटअप का प्लान कैसे करो भाई? मीटअप का प्लान आज ही था, मीटअप मतलब आज मीटअप था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं इन्फॉर्म किया था कि मेरा मीटअप है। मतलब मेरा मीटअप नहीं होता है, मैं एमएल फैन क्लब पटना के मीटअप में आया करता हूँ तो वहाँ मिल लेता हूँ, तो मैं अपना पर्सनल मीटअप बहुत ही कम करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, कोशिश करता हूँ कि अगला जो मीटअप होगा वो ज़्यादा ओपन हो, क्योंकि मुझे आज मीटअप के आधा घंटा पहले मुझे मेरे फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि शार भाई आज मीटअप पे आ रहे हैं ना, तो मैंने बोला अरे, तब मैं जाकर के मीटअप में गया। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है और बहुत स्पीड पे बोल लेते हो आप, अच्छी बात है। और Redmi Note 5 Pro में 4K वीडियो सपोर्ट आने का और कोई चांस है क्या? थैंक यू भाई, सबसे पहले मेरे एटीट्यूड के बारे में बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर उसके बाद बोलने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और Redmi Note 5 Pro में 4K रिकॉर्डिंग का आने का चांसेस है, अभी भी चांसेस है, मे भी आ सकता है। भाई, पहचाना का सुप्रयोग घोष। हाँ भाई बिल्कुल, आपका तो कमेंट आते रहता है। एक यूट्यूब में चैनल ओपन करने का ख्याल क्यों आया? सबसे पहले भाई देखो, ख्याल क्यों आया, क्योंकि मेरे जो है बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बचपन से चाहता था कि सबको हेल्प करूँ, तो यह जो है हेल्प करने के नतीजे से मैंने बहुत शुरू में ही चैनल बना लिया था। लेकिन उस वक्त जो है मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि वीडियो कैसे बनाऊँ, इसलिए मैं नहीं बनाता था। लेकिन जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और थोड़ा सा जो है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया लाइफ में, तब मैंने सोचा कि चलो शुरू कर देता हूँ दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो हो सकता है कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इनका दूसरा सवाल है, रेडमी नोट 4 स्टेबल अपडेट में रियर कैमरा पोर्ट्रेट आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, आप इंतजार करो, दिसंबर के लास्ट तक आ सकता है या फिर जनवरी के महीने में आपको आ जाएगा। आप फुलवारी शरीफ में रहते हो क्या? मतलब नहीं भाई, आप पूरा एकदम, मैं अगर बता दूं कि कहाँ रहता हूँ तो आप एकदम खोद खोद के पूछोगे नहीं फुलवारी शरीफ में कहाँ रहते हो, फिर कहोगे फुलवारी शरीफ के अंदर वहाँ, तो वहाँ के वहाँ कहाँ रहते हो? नहीं भाई, मैं आपको बता दूं, मैं बस पटना में रहता हूँ, पटना में जहाँ भी रहता हूँ वहाँ मैं रहता हूँ। ओके भाई, बूट अनलॉक करने से कुछ खराबी तो नहीं आ जाएगा? मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों को बता दिया है कि बूट अनलॉक करने से क्या प्रॉब्लम होता है, तो जो मैंने बताया उसे आप लोग जान लीजिए। बस एक बात समझ लीजिए कि बूट अनलॉक करने का मतलब यह है कि आपने कहीं बाइक लगाया और बाइक का चाबी उसी में छोड़ दिया, बस यही मतलब है बूट अनलॉक करने का। मतलब बाइक चोरी हुआ है तो वही एग्जांपल दे रहा हूँ भाई।
आई लव यू टू ब्रो, बादशाह चांद आलम, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आस्क टीटीएस, MI8 लाइट इंडिया में कब आएगा? MI8 लाइट इंडिया में आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में बहुत ही कम चांसेस है। शायद इंडिया में MI8 लाइट नहीं आएगा, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शाओमी ऐसा शायद ना करेगी इस बार MI8 लाइट दे, शायद मे भी आ भी सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। भाई आपको पसंद था गाना कौन सा है? दो लाइन गाने सुना प्लीज़। यार देखो, गाने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपना गाना दो तीन लिखा हुआ, तो उसका मैं दो दो लाइन सुना सकता हूँ। जैसे कि तू दूर है या तू पास है, तू है मेरा बस है मेरा, ये मेरा अपना लिखा हुआ गाना है, लेकिन पूरा गाना है, लेकिन मैं इसे गाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे अभी उतना ज़्यादा याद नहीं है, और कहाँ मैंने लिखा है वो भी मैं भूल गया हूँ, तो इसका बस दो ही लाइन याद है। ओके, Redmi 3S बेस्ट फ़ोन है, देख लेना, उसमें एक दिन Android 10 मिलेगा। भाई जोक ऑफ द ईयर। भाई Redmi 5A में फेस अनलॉक आएगा? नहीं भाई, बहुत ही कम चांसेस है। ओरियो तो आ रहा है, लेकिन फेस अनलॉक अभी तक नहीं आया, तो हो सकता है अगर ओरियो आ जाए स्टेबल में, तो उसके बाद फेस अनलॉक आने का चांसेस है, तो मार्च तक का टाइम लग सकता है, इंतजार कर लो। शरद भाई, आई लाइक योर वॉइस सो मच एंड आई वॉच योर वीडियो ऑल डे, आई एम योर बिग फैन, असम से हूँ। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप असम से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं कभी असम आऊँगा तो मीटअप रखेंगे। भाई मुझे अपना सेला बना लो, सेला बना लो, चेला बना लो। भाई देखो, चेला बनाना तो पॉसिबल नहीं है, चेला कुछ नहीं होता है भाई, आप स्टूडेंट को हो, चेला कहना मुझे पसंद नहीं है, तो अगर आपको स्टूडेंट बनना है तो बन जाओ भाई, कैसे बनोगे तो यूट्यूब की वीडियोज़ देखते रहो, और फ्रेंड भी हो स्टूडेंट भी हो, दोनों मान सकते हैं। आज TTS, वी वॉन्ट टेक जस्ट वन इन मंथ इज इनफ प्लीज, लव यू टेक, एक महीने में एक। हाँ यार, देना तो पड़ेगा मुझे भी, मैं भी कभी कभी बहुत ज्यादा लेजी हो जाता हूँ आजकल, तो लेजीनेस तो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, मतलब मैंने अपने जब से रूम में बेड लगा लिया है ना, इसी रूम में जहां पे मैं वीडियो बनाता हूँ वहीं पे मैंने बेड लगा लिया, और तब से मैं खाली सो ही रहा हूँ, बस बस सो रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ यार, कोशिश करता हूँ टेक वाइंस जल्दी जल्दी देने की, आप ही लोग टॉपिक बता देना टेक वाइंस की, तो मैं ज्यादा अच्छे बनाया करूंगा। मंडे का अपडेट आ गया है, वीडियो अपलोड कर दो। अरे यार, ये तो पहले का कमेंट है। लव यू भाई, लव यू टू। हाउ टू बाई शाओमी नॉइस कैंसिलिंग ईयरफोन, इट्स नॉट अवेलेबल एनी वेयर नाउ। नॉइस कैंसिलिंग ईयरफोन, कौन से ईयरफोन का बात कर रहे हैं? क्योंकि शाओमी का नॉइस कैंसिलिंग में बहुत सारे ईयरफोन है, अगर कोई एक दो का बात कर रहे हैं तो देख लो, अगर इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो gearbest.com पे, banggood.com पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारुख भाई, वालेकुम अस्सलाम। आप रिप्लाई बहुत कम देते हो, क्या आपको टाइम नहीं मिलता है या नज़रअंदाज करते हो? अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ करना, पर सवाल करना ज़रूरी था। सवाल आपका अच्छा है कि मैं रिप्लाई बहुत ज्यादा कम करता हूँ। जी हाँ, ये बात सच है कि मैं आजकल रिप्लाई बहुत कम करता हूँ, वरना अगर आज से आप 3-4 महीने पहले का रिकॉर्ड मेरा देखेंगे ना, तो शायद ही कोई मेरे जैसा रिप्लाई करता होगा यूट्यूब पे, लेकिन आजकल थोड़ा मैं कम देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लाइफ जो है बिजी हो गया, दो हिस्सों में बट गया है, दुकान जाना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है, यहाँ वीडियो बनाना पड़ता है, दुकान में रह करके दुकान भी देखना पड़ता है, तो यहाँ पर जो इधर भी मैनेज करूँ उधर भी मैनेज करूँ, तो लाइफ बहुत ज्यादा बट गया, जिसके कारण मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। आपने देखा होगा पिछले 3-4 वीडियो में तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी नहीं लिखा है, मैंने बस टाइटल दिया, किसी तरह से थंबनेल बना लिया जल्दबाजी में, और बस वीडियो अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी मैं ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, इतना ज्यादा लाइफ आजकल जो है थोड़ा सा बिजी हो जा रहा है। भाई Redmi Note 4 में कैमरा 2 API आएगा क्या? MIUI 10 स्टेबल फर्दर अपडेट में? देखो, कैमरा 2 API का भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मुझे तो लग रहा है कि नोगट वाले डिवाइसेस में आना चाहिए, लेकिन देखो आएगा नहीं आएगा, Xiaomi इनेबल करेगा नहीं करेगा, मुझे इसके बारे में पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अनुराज बनर्जी का फिर से एक सवाल, आस्क TTS, दादा स्मार्टफोन क्या स्विच ऑफ करके चार्ज देना अच्छा है या स्विच ऑन करके, कौन सा बेस्ट है स्मार्टफोन के लिए, और टॉप अप चार्जिंग अच्छा है या बुरा? देखो भाई, सबसे पहले स्विच ऑफ करके फास्ट चार्ज हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्विच ऑन करने में थोड़ा सा जो एनर्जी लॉस होता है तो वो नहीं होगा, तो 10-15 मिनट का आपको जो है फर्क महसूस हो जाएगा, तो अगर आप स्विच ऑफ करके चार्ज करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जो बहुत जल्दी चार्ज होगा, लेकिन आप स्विच ऑन करके भी कर सकते हो, स्विच ऑफ करके भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक बात रही टॉप अप चार्जिंग की, तो मैं उसे बिल्कुल ही एक मानता हूं कि वो जो टॉप अप रिचार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि 40-80% तक चार्ज करना चाहिए, वो फालतू कॉन्सेप्ट मुझे लगता है, बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट लगता है, और इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ स्मार्टफोन बैटरी चार्जिंग मिथ में, कि मुझे लगता है कि नहीं, ये सब सही नहीं है, आपको चार्ज करना है, फुल करो कम करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहूंगा कि फुल ही करो तो ज्यादा बेहतरीन है। शाहरुख खान, नहीं भाई मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, बस मेरा नाम है मोहम्मद शाहरुख, ठीक है भाई, उसके आगे कोई सफिक्स नहीं है, क्योंकि भाई बहुत लोग कहते हैं ना कि नहीं खान है तो क्या खान हो गया, या फिर कोई कुछ और लगा दिया तो क्या ये कास्ट हो गया, भाई मैं कास्ट वगैरह में नहीं विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैंने लगाया ही नहीं आगे, तो इसलिए मोहम्मद शाहरुख।
बस मुस्लिम हो, इंसान हो, हिंदुस्तानी हो, राइट। शाहरुख खान, आप जो म्यूजिक आप यूज करते हो उसका लिंक क्यों नहीं देते हो? बिना क्रेडिट दिए कॉपीराइट आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा भाई मेरे चैनल पे, कभी भी किसी भी म्यूजिक पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। अब हम कहोगे शाहरुख भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो, लोग तो इतना परेशान है, आप कौन से 30 मार खान हो कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं वही कॉपीराइट वाले वही दोस्तों म्यूजिक को इस्तेमाल करता हूँ जो कॉपीराइट फ्री होते हैं, साथ ही साथ जिनमें मुझे किसी भी तरह का लेबल लगाने का जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का क्रेडिट देने का जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन आपको जो है अगर आप YouTube के लाइब्रेरी में जाएंगे, म्यूजिक लाइब्रेरी में, तो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड में जाएंगे, तो उसके बाद आपको जितना भी म्यूजिक मिलेगा वो डायरेक्टली दोस्तों आप आसानी से बिना किसी लेबल के लगा सकते हैं। भाई एक सजेस्ट करो, Q&A सेशन को 5-7 मिनट का ही बनाओ और क्वेश्चन रैंडम नहीं पिकअप करना, बल्कि जो बेस्ट क्वेश्चन हो वही चुनो। नहीं भाई ऐसा मैं ऐसा मुझसे होता ही नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन मिले वही करूँ, क्या रैंडमली चूज करूँ कि हाँ ये मेरे चैनल के लिए सूट करेगा, वो मेरे चैनल के लिए सूट करेगा। मैं यहाँ पे चेक भी नहीं करता हूँ कि कौन सा सवाल आया हुआ है, जब Q&A आता है तो उसी वक्त देखता हूँ कि क्या सवाल है, उसी वक्त जवाब देता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरा जो रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली इंस्टेंटेनियसली मिले। और जो चीज़ इंस्टेंटेनियसली मिलती है, जो चीज़ बिल्कुल अचानक से मिलती है, मुझे फील होता है कि वही सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होती है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को Q&A जो है डायरेक्टली बना करके देता हूं। शाहरुख भाई पोको F1 में गूगल पिक्सल 3 कैमरा का अपडेट नया आया है कि नहीं? अगर आया है तो वीडियो बनाओ और डाउनलोड लिंक भी डाल दो। भाई अपडेट तो आया है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, हाँ यही है कि नाइट साइट काफी अच्छे से काम कर रहा है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, लेकिन आप चाहे तो बस गूगल का कैमरा कहीं XDA डेवलपर पर जाकर वहां पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, बस मिल जाएगा। वहां पर आपको मॉड अलग अलग मिल जाता है अंदर में, अगर आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो अंदर में अलग अलग मिल जाता है Pixel 2 Pixel 3 दोनों का, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं, और नॉर्मली और हाँ और कैसे लिखे हो भाई? भाई व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं एज नॉर्मली, और हाँ आज के Q&A में लास्ट वाला सॉन्ग मस्त था, और मैं भी हाँ भाई देखो आज उस दिन का Q&A में जो मैंने लास्ट सॉन्ग गाया था वो मैंने आज ही लास्ट सॉन्ग गाया था, शुरू में बीच में सॉन्ग गाया था, और मैं भी वही उसी कॉलेज में हूँ जहाँ आप पढ़े थे, NIT भी था, नहीं भाई NIT नहीं, मैं NSIT में हूँ, तो हाँ हो सकता है आपका एस छूट गया हो। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राम मंदिर के बारे में क्या ख्याल है, भाई सबसे पहले कोर्ट डिसाइड करेगा कि वहाँ पे क्या क्या नहीं होगा, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा भाई। अगर कोर्ट डिसाइड करता है जो कोर्ट कहेगा वही मानना है, कोर्ट कहेगा मस्जिद, कोर्ट कहेगा मंदिर, बिल्कुल आंख मूंद करके मानना है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। दिस फर्स्ट लाइक फॉर यू ब्रो, बिल्कुल शुक्रिया भाई। कभी रियल में फ़ोन के बारे में तो बात कर लिया करो प्लीज़, रियल मी भाई, रियल और मी एक साथ होगा, क्योंकि रियल और मी अलग अलग नहीं है, वरना हो जाएगा कि असली मैं नहीं है भाई, वो रियल मी कंपनी का नाम है। तो हाँ भाई उसके बारे में भी बात किया था मैंने, रियल मी U1 आया था तो बात किया था, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिव्यू यूनिट मिले, उन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, पर उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आया। ईमेल करता हूँ तो बोलते हैं कि मैंने आपका एप्लीकेशन जो है रिसेंड कर दिया है, देखिए क्या होता है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग मेरा वीडियो देख लिए हैं Realme 2 Pro का रिव्यू, तो शायद वो लोग नहीं भेजेंगे अब, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो कुछ भी हो सकता है। शायद कोई Redmi 4 MIUI 10 Beta से MIUI 10 Stable पर हो सकता है, Redmi 4 MIUI 10 Beta से स्टेबल पर बिल्कुल हो सकता है, आप अपडेटर से फ्लैश कर लो, अगर अपडेटर से नहीं होता है तो फास्ट बूट रोम फ्लैश कर लो PC से, बिल्कुल हो जाएगा। Redmi 5 में स्टेबल में पोर्ट्रेट मोड कब आएगा? 3 महीने में। भाई आप पटना में कहाँ से है ये तो नहीं बता सकता भाई, सॉरी, अगर कभी मीटअप में आओगे तो पता चलेगा। Redmi 4 में एंड्रॉइड पाई रोम विदाउट PC कैसे फ्लैश करें विदाउट बूट अनलॉक? नहीं कर सकते हैं भाई, विदाउट बूट अनलॉक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको किसी भी रोम को फ्लैश करना है, Redmi को फ्लैश करना है, बूट अनलॉक करना ही पड़ेगा। ये कहना कुछ इस तरह से है कि मुझे रूम में कारपेट लगाना है लेकिन बिना ताला खोले कैसे लगा दें, बस यही कहना है, समझ गए भाई। रोस्टिंग गुरु को जानते हो क्या? वो भी पटना से। जानता नहीं हूँ, वीडियो देखा हूँ, एक बार मिला हूं मैं YouTube के इवेंट में, तो ज्यादा मैं जानता नहीं हूं, बट बंदा सही है। MI Note 4 से MI 11 और Oreo आएगा कि नहीं? Redmi Note 4 से MI 11 एंड Oreo, Oreo तो नहीं आएगा लेकिन MI 11 आने का चांसेस है। Redmi Note 4 पर MI का कौन सा वर्जन तक अपडेट आएगा? MI 11 तक आएगा भाई। अगर कोई दूसरी रोम फ्लैश करूं तो क्या उसमें और OTA अपडेट आएगा? अगर वो रोम OTA सपोर्टेड होगा तो OTA आएगा, OTA सपोर्टेड नहीं होगा तो फिर OTA नहीं आएगा। थैंक्स, नाइस, ओके। अननोन सेंडर वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद प्राइवेट मैसेज मोड ऑन करा होगा आपने, मैं बताता होगा कैसे ठीक होगा। आपने प्राइवेट मोड में किसी नंबर को डाला होगा इसीलिए जो है वहां पे अननोन सेंडर आ रहा होगा, तो आपको जो है मैसेज को बिल्कुल नीचे की ओर ड्रैग करना है, प्राइवेट मैसेज खुल जाएगा, और उसमें आपको सेटिंग में जाने के बाद वहां से सेंडर को हटा देना है, जो कॉन्टैक्ट डाला वो हटा देना है, फिर हो जाएगा भाई। Redmi 5 में ओडियो तो आ चुका है पर बहुत सारे बग्स के साथ, जैसे वेरी लो ब्राइटनेस, साउंड लैग, कैमरा बैग एटसेट्रा, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं भाई, इंतजार कर सकते हैं ताकि ये बग्स फिक्स हो जाए। Xiaomi का अगर आप फोन लेते हैं तो इंतजार ही सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है।
सबसे पहले इंतजार करो कि फोन लॉन्च हो जाए, उसके बाद इंतजार करो कि फोन सेलिंग पर जाए, उसके बाद इंतजार करो कि फोन आपके कार्ट में आए, उसके बाद इंतजार करो कि कार्ट से आपका चेकआउट हो जाए, क्योंकि भाई किसी चीज़ का भरोसा नहीं। और जब आप फोन खरीद लो तो उसके बाद इंतजार करो कि सही सलामत घर पर आ जाए, कहीं रास्ते में बिक ना जाए। और जब सही सलामत घर पर आ जाए तो उसके बाद इंतजार करो कि अपडेट आ जाए। बस यही है शाओमी के फोन्स में, बस इंतजार ही है भाई। ओल्ड बीटा रोम को कैसे फ्लैश कर सकते हैं बिना अनलॉक के? ओल्ड बीटा रोम को आप फ्लैश नहीं कर सकते हैं बिना बीटा, लेटेस्ट को फ्लैश कर सकते हैं लेकिन ओल्ड को नहीं कर सकते हैं। लेटेस्ट तो आसानी से अपडेटर से फ्लैश हो जाएगा, लेकिन ओल्ड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, TWRP रिकवरी फ्लैश करना पड़ेगा उसके बाद, और उसमें भी रिस्क है। अगर आपके में एंटी रोलबैक है तो आप नहीं कर सकते हैं। अब बूट अनलॉक करने के लिए परमिशन ही नहीं लेनी पड़ती है क्या? नहीं, अब आपको परमिशन नहीं लेनी है, बस अकाउंट को ऐड करना है, लेकिन कम से कम 3 महीना पुराना डिवाइस होना चाहिए, ऐसा शाओमी वाले कहते हैं। ओके भाई, रेडमी Y2 में पाई का अपडेट कब तक मिलेगा जल्दी बताओ। नहीं मिलेगा भाई, भूल जाओ। आओ IM सलमान यार, आप ये बताओ कि रेडमी नोट 4 को LED TV से कनेक्ट कर सकते हैं किसी डिवाइस के थ्रू, जैसे एनीकास्ट या क्रोमकास्ट? रेडमी नोट 4 को बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं, और क्रोमकास्ट से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो बोल रहे क्या था कास्ट, एनीकास्ट या क्रोमकास्ट, हाँ दोनों से कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोमकास्ट का डिवाइस है तो उससे आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास TV का डोंगल है उससे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास MXQ Pro का बॉक्स है जो कि मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ, तो आप इससे भी डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं और TV में जो है देख सकते हैं, तो अपने फ़ोन का स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। पूरी वीडियोस में हेलमेट तो दिखाई नहीं दिया, पूरी वीडियो में हेलमेट तो दिखाई नहीं दिया, मतलब क्या? हेलमेट का तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया भाई। बीटा अपडेट आ चुका है, क्रिएट द वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। रेडमी नोट 4 में कैमरा 2 MP कभी आएगा? नहीं भाई, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। चलो भाई लोग, तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं इतना ही रहने देता हूँ। और ब्रो तुम्हारी हेल्थ इतनी अच्छी कैसी है? बोलने में भी एकदम शेर हो। गिव मी एनी टिप्स प्लीज, मतलब भाई मैं शेर हूँ बोलने में। देखो भाई, सबसे पहले चीज़ क्या है ना कि अंदर से हौसला रहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो। और अंदर से ये हौसला रहना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो दूसरों को सुनाई दे, तो आप ये कर सकते हो। अंदर से आप में ऐसा हौसला रहना चाहिए ताकि आपको कोई भी कम ना कर पाए, आपको कोई भी नीचे ना कर पाए। और अगर आप ऐसा सोच के कोई भी काम करोगे तो आप उसमें बेस्ट हो जाओगे। मैं हौसला, जब आप मेरा शुरू शुरू का वीडियो देखेंगे तो उस वक्त मेरा उतना हौसला नहीं था। उस वक्त मैं जब वीडियो बनाता था तो बहुत कम बोलता था, बहुत धीरे बोलता था, अजीब टाइप का, फिर भी लोग कहते थे कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं उसके बाद से हौसला मेरा बढ़ता गया, और आज मैं देखो मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ के बोलता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ। मैं ज़्यादातर इसीलिए खड़े होकर के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं ज्यादा गलतियां ना करूं, और यही अगर मैं बैठ के करूं तो ज्यादा, तो मुझे खड़े होकर के ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसका राज क्या है? बस हौसला बढ़ा हुआ है, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। मैं हमेशा लगातार बोलता हूँ, प्रैक्टिस है, हौसला है, इरादे बुलंद है, यही सब कह सकते हैं आप। ज़्यादा कुछ टिप्स वगैरह नहीं है, बस हाँ अगर आपको ज़्यादा कुछ टिप्स जानना है तो इतना सुन लो कि भाई रात में सोना तो दूध पी के सोना। ओके भाई लोग, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई, क्यों पसंद आई तो चलो सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। ओके भाई, मेरा बाइक चोरी हो गया। क्या कर सकते हैं, बाय।